हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में बात करेंगे होंडा के अपकमिंग ईवी स्कूटर के बारे में। तो चलिए जानते हैं होंडा के ईवी स्कूटर के बारे में। होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपनी नई एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडियन मार्केट में पेश करने की प्लानिंग कर रही है। अब होंडा भी इंडियन मार्केट में अपनी ईवी स्कूटर को उतारने के लिए तैयार है। होंडा का ईवी स्कूटर एक्टिवा ई के नाम से आएगा। अगर अफवाहों की माने तो एक्टिवा ई को शानदार रेंज और ज़बरदस्त फीचर्स के साथ पेश किया जा सकता है। वहीं अब सामने आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार जापानी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर अपने नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को 2023 के आखिर तक पेश कर सकती है। होंडा अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को मेड फॉर इंडिया प्लेटफॉर्म पर पेश कर सकता है। अब तक सामने आई रिपोर्ट से साफ है कि होंडा अपने सबसे फेमस मॉडल होंडा एक्टिवा के साथ इंडिया में ईवी स्कूटर सेगमेंट में उतरेगी। होंडा एक्टिवा पेट्रोल वर्जन में भारत में काफ़ी पॉपुलर है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट के माने तो होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर को बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको वीडियो में आगे बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बताएंगे। इस स्कूटर की बैटरी को आप घर पर भी चार्ज कर सकते हो, इसका ऑप्शन भी मिल सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम कुछ टाइम पहले लॉन्च हुए बाउंस इन्फिनिटी E1 स्कूटर में देख चुके हैं। स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी क्या है? आप सोच रहे होंगे कि बैटरी स्वैपिंग क्या है, तो मैं आपको बता दें कि इसमें यूजर को बार बार व्हीकल की बैटरी को चार्ज करने का झंझट खत्म हो जाता है। यूजर अपने इलेक्ट्रिक वाहन में दी गई बैटरी के अलावा एडिशनल बैटरी भी रख सकता है और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से ई व्हीकल की बैटरी को बदल सकता है। आमतौर पर किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी को चार्ज होने में कुछ घंटे लग जाते हैं, ऐसे में बैटरी स्वैपिंग अच्छा ऑप्शन माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।